लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट्स, सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे छोटा बना देते हैं 6 डिजिट का, तो सब में जीरो डाल देते हैं, सब में जीरो कर दिया, इससे छोटा क्या होगा, लेकिन अब ये नंबर ही नहीं, तो इसमें हम 1 यहां लिख देंगे तो ये नंबर बन गया। इसमें से आप एक भी घटा दें तो ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन गया, ठीक। तो इस एक 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 लाख। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर इस लाइन में जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो कहां पे है, कैसे पता चलेगा? कल ही हमने ऐसे सवाल किए हैं। चलिए 1 लाख इसको हम करते हैं स्क्वायर रूट 3, 3 9 6, 1 यहां क्या होगा 39, फिर 2 0 और ये होगा 6 times होगा, तो ये आएगा 3756 और लास्ट में आएगा 144। का क्या मतलब है? नहीं समझा क्या? वन फोर्टी फोर बच गया, जब हम इसको स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 144 बच गया, ठीक है, तो यानी कि, और 316 पूरा है, तो यानी कि जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख वाली जो संख्या है, ये 316 के स्क्वायर से आगे है, और कितना आगे है वो तो अलग चीज, और 317 से कम है। अगर ये जीरो होता तो स्क्वायर बन गया होता, ठीक, इससे कितना कम है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम सवाल के बिल्कुल आंसर के नजदीक पहुंच गए, बताइए। यहां अभी यहां पे भी आंसर नहीं आया, बताइए, हम बहुत नजदीक पहुंच गए। देखिए 144 बचा है, हम इसके आगे 316 के स्क्वायर से हम 144 कदम आगे खड़े, तो हम कितना घटा दें इसका जवाब तो हमें मिल गया, लेकिन हमें ये इधर जाएंगे तो हो जाएगा 5 डिजिट्स, हमें जाना है 6 डिजिट्स, हमें आगे की तरफ बढ़ना है, तो हमें ये दिख गया ना कि अगला पड़ाव कहाँ है, अगला पड़ाव ये है, तो 317 का स्क्वायर क्या होता है, 317 का स्क्वायर 100489, ये वो अगली संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 100489, ठीक है, सही जवाब। अगर पूछ लिया जाए, यहां तो हमने सवाल सिंपल सा ये था कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट्स, तो मतलब आंसर ये है। अगर ये पूछा जाता व्हाट मस्ट बी एडेड, तो हम यहां क्या करते, इसमें से इसको माइनस करते, यानी कि 489 को हमें प्लस करना है, हम 489 प्लस कर दें तो हम परफेक्ट स्क्वायर पे पहुंच जाएंगे, या फिर 144 माइनस कर दें तो।